यहाँ पे विक्स जो है आके प्रॉपर टाइम पे रिवाइव कर पाते हैं कि नहीं बिली, जो है यहाँ नीचे की तरफ जंप करके देखते हैं, चार्जिंग करने की कोशिश करते हैं, सिनिस्टर ने यहाँ पे ओके सो यहाँ पे अपने आप को ग्रेनेड से नॉक कर दिया गया है। ओके दैट्स अनफॉर्चुनेट, मुझे लगा था उन्होंने किसको नॉक किया, बट अभी भी मनु यहाँ पे बाकी रहेंगे और अपनी टीम से वो भी काफी दूर आपको जो है यहाँ देखने को मिल रहा है। मनु एज यू गाइस कैन सी यहाँ पे उन्होंने एक ग्रेनेड थ्रो किया है। सो इसी के साथ यहाँ पे न्यू एसटी के स्क्वाड भी आपको देखने को मिल रहे हैं। सिनिस्टर यहाँ पे अभी भी नॉक है, उनको रिवाइव करने के चांसेस मुझे लगता नहीं है होंगे, और क्या यहाँ पे कंफर्म कर पाते हैं कि नहीं प्लेयर, वो भी देखना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। गॉड्स मनु आगे जाने की कोशिश यहाँ पे जरूर करने वाले हैं। सोल के ब्लेजी भी आपको यहाँ पे काफी क्लोज देखने को मिल रहे हैं। S12 के सप्रेस्ड S12 के उनके पास रहने वाली है, बेसिकली इतना फर्क तो नहीं पड़ता। S12 के पे अटैचमेंट लगाना, एक्सपेक्ट एक्सटेंड मैग जो आप लगाते हो तो आपको फायदा हो सकता है, बट ये मजल लगाने से आपको कुछ इतना फायदा नहीं होने वाला है। बट यहाँ पे चार्जिंग करने की कोशिश करेंगे, मनु के पास यहाँ पे जाने की कोशिश भी करने वाले M16 एंड जो S12 के उनके पास रहने वाली, आगे जाने की कोशिश यहाँ पे जरूर उनकी तरफ से होगी, बट मनु जो है तुरंत ही इंस्टेंटली रिपोजिशन करेंगे। यहाँ पे मनु की काफी लो हेल्थ यहाँ पे हो जाएगी, बट वो यहां से निकलने की कोशिश करेंगे। सांगवान आई बिलीव सो नॉकआउट है वहां पे, ये सांगवान नॉक आपको देखने को मिलते हैं। स्पोर्ट के नियो नाइक अपनी ही मॉली से वहां पे नॉक होंगे। मनु और भी आगे जाने की कोशिश करे, सिनेस्टर को यहाँ पे रिवाइव मिल चुका है। सो सोल की स्क्वाड यहाँ पे कल कंफर्म नहीं कर पाए, सांगवान और जैसे नॉक है, दक्ष को यहाँ पे स्प्रे करने की कोशिश करेंगे। मनु की भी काफी लो हेल्थ, उनको भी जल्द से जल्द हील करना है। फाइनली यहाँ पे मनु नॉक होते हैं, दो प्लेयर यहाँ पे पिकाड़ो में नॉक हमें होते हुए दिख जाएंगे। एक होते हैं मनु और सांगवान को यहाँ पे रिवाइव मिल जाएगा इजिली। F1 2D के साथ फाइट हो रही है यहाँ पे, हाइप की स्क्वाड की प्रोटोटाइप जो है वो वहाँ पे नॉक होते हुए दिख रहे हैं। हर एक जगह यहाँ पे फाइट होते हुए दिख रहे हैं। टीम हेल कॉर्ड्स के प्लेयर आगे चार्जिंग करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी क्लोज आ चुके हैं रिवाइव के लिए। दक्ष और सोल के प्लेयर अभी भी अंदर है, बिलीव यहाँ पे आपको देखने को मिले हैं। दक्ष की तरफ स्लीपर देने की कोशिश की, दक्ष जो है बाहर की तरफ बोल्ट करेंगे एंड बिलीव को मारने की जरूर कोशिश करने वाले, और भी चार्जिंग है। सिनिस्टर को नॉक किया जाएगा, दक्ष लास्ट में शाइनिंग रहते हैं। क्या यहाँ पे सोल अपने चारों के चारों प्लेयर्स के साथ आगे की तरफ बढ़ेंगे एंड यस हेल गॉड्स गेट एलिमिनेटेड एट पिकाडो बाय टीम सोल। यहाँ पे अपनी टेरिटरी को काफी देखने को मिल रहे हैं। सांगवान ने यहाँ पे इनिशिएटिव स्पोर्ट्स के प्लेयर को नॉक किया है, सो बिलीव यहाँ से वो भी निकलना जरूर चाहेंगे, बट उन्होंने काफी अच्छी तरीके से सिचुएशन को हैंडल किया। टीम एक्स की भी यहाँ पे फाइट आपको देखने को मिल रही है। सोल के प्लेयर देखें किस प्रकार के थे, ब्लेजी ने भी यहाँ पे एक प्लेयर को नॉक किया। सांगवान हाइड्रा के ब्लास्टिक का कल कंफर्म करेंगे। टीम एक्स से ईवो जो है यहाँ पे नॉक होते दिख रहे हैं। सोल वर्सेस टीम एक्स के बीच में फाइट चल रही है। ब्लेजी की हेल्थ देख सकते हैं कितनी लो हो चुकी है एंटिक्स के कारण जो है। ओके तो कार्नेज यहाँ पे उनको स्पॉट कर लिया है ब्लेजी को। यहाँ पे रैम्पेज के प्लेयर भी फाइट लेते हुए दिखते हैं, मुझे लग रहा नहीं है यहाँ पे आरएफ की स्क्वाड सर्वाइव कर पाएगी कोई भी सिचुएशन में, क्योंकि रैम्पेज के प्लेयर ने उनको पूरा पूरी की पूरा सर्कल हो चुका है। रैम्पेज के डीमन को नॉक कर दिया जाएगा। सोल की स्क्वाड यहाँ पे फाइट ले रही है, टीम एक्स की तरफ यहाँ पे चार्जिंग आया। ब्लेजी ने यहाँ पे मैक्स के चार सोपी को मेरे हिसाब से वही कल ब्लास्ट में नॉक किया। ब्लेजी एक ऐसा एडिशन जो आपको यहाँ पे स्क्रिम्स में टूर्नामेंट्स में खेलते हुए देखेंगे आगे सोल के साथ, देखते हैं कैसा होता है। यहाँ पे बेसिकली नई नई चीजें ट्राई करनी चाहिए जब आपकी टीम यहाँ पे कुछ परफॉर्मेंस आपकी टीम नहीं दे पा रही। ऑब्वियसली आपको पता है प्लेयर्स केपेबल है चीज करने के, बट वो टीम्स के साथ वो प्लेयर्स के साथ वो सिनर्जी नहीं बिता पाते। यहाँ पे ब्लेजी स्पॉट करने की कोशिश एलिमेंट के प्लेयर्स को, यहाँ पे काफी शानदार शॉट कनेक्ट भी जरूर हुआ है बट नॉक करने के लिए कामयाब नहीं रहेंगे। अभी कंफर्म कर दिया है होप का 9 किल के साथ सोल करंटली डोमिनेटिंग द सिचुएशन। अब 9 टीम एंड 14 प्लेयर्स बाकी है, क्या यहाँ पे सोल के प्लेयर्स फिगर निकालने के लिए कामयाब रहेंगे। सक्रिय अपनी टीम की तरफ से सर्कल में, हैदरा के सारान भी सर्कल में आपको देखने को मिल जाएंगे, बट सोल की तरफ से प्लेयर्स ऑलरेडी मुंह पे आ जाएंगे। यहाँ पे सांगवान ने डेटा विजय का किल कंफर्म किया और एक स्लामिना है सोल की तरफ से शार्क की तरफ आई बिलीव। तो और सक्रिय अभी भी यहाँ पे एक छोटे कवर में आराम से अपने ऊपर स्मोक किया उन्होंने और होल्ड करेंगे वो हैदरा के सारान। यहाँ पे अपनी टीम की तरफ से बाकी रहेंगे। लास्ट में स्टैंडिंग नोवा गॉडलाइक को स्क्वाड ने वाइप किया था। विजिक रॉलर के एक प्लेयर है विजय है वहाँ पे और ब्लेजी आपको देखने को मिल जाएंगे। फोड़ने की कोशिश की जाएगी मेराडो को और मेराडो को फोड़ के अपने लिए कवर बना लिया जाएगा। बेसिकली आज के दिन में जो है यहाँ पे व्हीकल भी एक यूटिलिटी जो है आपको देखने को मिलती है जिससे आप कवर कर सकते हो अपने आप को और काफी शानदारी से लास्ट सर्कल में भी सर्वाइव कर सकते हो। 6 टीम एंड 11 प्लेयर जब हमारे पास बाकी रहेंगे, टीम एक्स के 3 प्लेयर रहेंगे, यहाँ पे रिजेक्ट जेड की स्क्वाड की तरफ से एक प्लेयर रहेगा, इनिशिएटिव स्पोर्ट्स के 2 प्लेयर आपको बाकी रहते हुए दिख जाएंगे। हाइड्रा के सारांग की काफी सही पोजीशन आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, उनके करीब में कोई भी नहीं है। टीम्स रोटेशन देगी अभी, सर्कल मूव होना स्टार्ट हो जाएगा। टीम एक्स स्क्वाड देखते हैं किस तरीके से यहाँ से निकलती है, सर्कल के अंदर उनको जाना पड़ेगा। सोल इज ऑल्सो लुकिंग गुड इन दिस सिचुएशन, यहाँ पे 1v1v, 1v3v3v2 के सिचुएशन रहने वाली है।
तीन सोलो यहाँ पे एक डू है एंड दो ड्राइव आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। सारांग यहाँ पे न्यू नाइट को मारने की कोशिश करेंगे बट न्यू नाइट के पास एक रिच का एडवांटेज यहाँ पे आ जाएगा। वन वन की स्थिति यहाँ पे रहेगी। क्रूसिफर को भी सर्कल के अंदर मूव करना है। क्रूसिफर यहाँ पे सर्कल से ही नॉकआउट हो जाएंगे और यहाँ पे टीम एक्स के प्लेयर सर्कल के अंदर जाने की कोशिश करते हुए दिक्कत है उनके लिए कि वो जो है यहाँ पे नॉक आपको देखने को मिल रहा है। सोल की तरफ से भी एक प्लेयर नॉक है। टीम एक्स भी यहाँ पे एलिमिनेट होने के कगार पे। आदित्य भी यहाँ पे एलिमिनेट होते हैं। टीम एक्स हैशटैग पे एलिमिनेट होगी। क्या सोल की स्क्वाड ये मैच चिकन निकाल पाएगी? 10 किल ऑलरेडी उनके पास आ चुके हैं। चार प्लेयर यहाँ पे चार टीम बाकी रहेगी और उनके लिए तीन ही अपोनेंट है और तीनों ही अपोनेंट अलग अलग टीम से रहने वाले। दिस कुड बी एन इजी चिकन बाय टीम सोल। देखेंगे किस प्रकार से वो लोग आगे गेम कंटिन्यू करते हैं। सांगवान फिर को स्पॉट करने की कोशिश कर रहा है। सक्रिय यहाँ पे डेप एक अच्छा खासा उनके पास है। चारों तरफ से उनको कोई स्पॉट नहीं कर सकता बट नियो नाइट यहाँ पे सांगवान को नॉक करेंगे और दिक्कतें खड़ी करने वाले सोल के लिए। ये तीनों प्लेयर्स की ऐसी पोजीशन है कि सोल को उन्होंने काफी अच्छी तरीके से पिंच करके रखा है। अगर चाहे तो तीनों प्लेयर मिलकर सोल की स्क्वाड को वाइप कर सकते हैं वरना एक एक करके जो उन्होंने वाइप करने की कोशिश की तो इनके लिए भी यहाँ पे दिक्कतें खड़ी होने वाली है। तो नियो नाइट सरांग एंड सक्रिय तीन टीम से तीन अलग अलग प्लेयर्स वर्सेस तीन सोल के प्लेयर। यहाँ पे नियो नाइट ने हटा के सारा उनको नॉक कर दिया गया। अभी सोल के लिए यहाँ पे सिचुएशन इजी होती हुई दिख रही है। सक्रिय यहाँ पे मारने की कोशिश करे सोल के प्लेयर को बट सोल की स्क्वाड को सर्कल के अंदर मूव करना है। सक्रिय को भी सर्कल के अंदर जाना पड़ेगा। M766 के साथ स्प्रे देने की कोशिश जो कि रैबल नहीं रहेगा। यहाँ पे बहुत करते सांगवान को नॉक भी करेंगे। काफी शानदार M766 का स्प्रे दिया उन्होंने जैसे रैबल नहीं रहेगा बट कुछ प्लेयर्स के रिलायबल रहता है। सक्रिय को यहाँ पे ब्लेजी जो है लेके जाएंगे। अब लास्ट प्लेयर नियो नाइट बाकी रहते अपनी टीम के तरफ से। चार किल ऑलरेडी निकालिए। 1v3 की सिचुएशन है, 1v2 की सिचुएशन है। सीजे को स्पॉट किया, काफी ज्यादा डैमेज मिला। ब्लेजी को स्पॉट करते हैं, यहाँ पे ऑलमोस्ट नॉक कर दिया। न्यू नाइट की भी काफी लो है। 1v2 की सिचुएशन क्या है यहाँ पे? न्यू नाइट क्लच कर पाएंगे अपनी टीम की तरफ से। ब्लेजी को यहाँ पे नॉक किया गया बट सीजे वहां पे लास्ट मोमेंट पे आते हैं और फाइनली न्यू नाइट को लेके जाते हैं। व्हाट एन गेम बाय टीम सोल। कैन वी हैव इट सोल ओपी इन द चैट? वेल दिख रहे हैं 9420 ओपी वर्सेस टीम सोल के बीच में फाइट हुई है। सांगवान को नॉक फिनिश कर दिया इंस्टेंटली। अपने टीममेट का बदला लेने की यहाँ पे कोशिश जरूर की जाएगी बट सोल के प्लेयर यहाँ पे आगे की तरफ चार्ज करने की कोशिश करेंगे। ब्लेजी एंड बिलीव आपको यहाँ आगे आते हुए दिख रहे हैं। 420 ओपी ने एक ग्रेनेड थ्रो किया था बट ट्री से बाउंस बैक होके वापस पीछे आता है। 420 ओपी 1v2 की सिचुएशन फिलहाल के लिए यहाँ पे रहती है। स्प्रे देने की कोशिश बट ब्लेजी वहां पे उनको लेके जाएंगे और ऊपर की तरफ चढ़ के आराम से भी जो है वहां पे एलिमिनेट हुए। सो हर एक जगह फाइट हो रही है। सोल के प्लेयर्स भी जो है यहां पे हमें फाइट लेते हुए दिख रहे। तो सोल की स्क्वाड की तरफ भी हम चलते हैं। तो बात करें तो 7 किल के साथ उनकी स्क्वाड यहां पे फाइट ले रही है और को नॉक किया उन्होंने और एनटीएक्स स्क्वाड के दो प्लेयर वहां पे नॉक होते दिख रहे। दो प्लेयर बाकी रहेंगे बट टीम सोल जो है रुकने का नाम नहीं ले रही। दे आर गोइंग ऑल इन दिस गेम। बट बात करें तो सोल के प्लेयर आगे चार्जिंग करने की कोशिश। ब्लेजी बिलीव एंड सीजे यहाँ पे बाकी जाएंगे और आगे तरफ अपना गेम कंटिन्यू करेंगे। मैक्स के प्लेयर ने जो एंट्री के नारो का किल कंफर्म किया। रैम्पेज के बनी जो है बिजेक जेड के प्लेयर का किल कंफर्म करेंगे। बनी यहाँ पे एलिमिनेट होंगे तो रैम्पेज की स्क्वाड आई बिलीव उसका एलिमिनेट हो चुकी है। गाइज हर एक जगह फाइट हो रही है। आई डोंट नो किस स्क्वाड की तरफ मैं जाऊँ बट अब जो एनटीएक्स की स्क्वाड की तरफ भी यहाँ पे फाइट हो रही है। नोवा गॉडलेक की भी फाइट हो रही है। हर एक जगह फाइट हो रही है। नोवा गॉडलेक ने मेरे हिसाब से एलिमिनेट कर दिया है ओबीडीएम की स्क्वाड को और एग्जिस्ट को नॉक किया था बट रेजर का किल तुरंत ही वैम्पायर नहीं लेते। सीधे वहां पे नॉक होंगे। ब्लेजी एंड बिलीव बाकी रहेंगे। अब सोल की स्क्वाड की तरफ से एनटीएक्स के प्लेयर अभी भी सामने नॉक होते हुए दिखेंगे। क्या ब्लेजी चार्जिंग करेंगे? चार किल अकेले ब्लेजी के पास रहेंगे। एक रैंडम फायर स्मोक में करने की कोशिश। यश के ऊपर क्लोजिंग करने की कोशिश। यश को स्पॉट करेंगे ब्लेजी और काफी लो कर दिया उनको और चार्जिंग करने की कोशिश करेंगे बिलीव एंड ब्लेजी। यस को यहां पे नॉक कर दिया जाएगा। लास्ट प्लेयर बाकी रहेंगे यहां पे जेटी बॉय जो कि अपने टीममेट को रिवाइव करने की कोशिश बट ब्लेजी एंड बिलीव यहां पे साथ में रश करेंगे। हाइड्रा एंड एल के बीच में फाइट होते हुए दिख रहे। बिलीव को यहां पे नॉक कर देगा बट ब्लेजी यहां पे क्या अपनी टीम को सेव कर पाएंगे? एंड यस वंस अगेन ही सेव्स हिज टीम। 7 किल ये बंदे के पास हो चुके हैं एंड ही इज डोमिनेटिंग करंटली। 13 किल के साथ सोल की स्क्वाड यहां पे टॉप 10 में आ चुकी है और फर्स्ट आगे रश करने की कोशिश। ब्लेजी भी यहाँ पे चार्जिंग करेंगे। देखते हैं एमएम की स्क्वाड अपनी टेरिटरी को डिफेंड कर पाती है नहीं या फिर सोल की स्क्वाड ये सिचुएशन में अपने फेवर में उनका एरिया अपने कब्जे में कर लेंगे। यहाँ पे ब्लेजी एजुकेशन से चार्जिंग करेंगे और ब्लेजी की काफी लो है। क्या ये सिचुएशन उनके पूरे के पूरे साउथ में जाएगी? सीधे लास्ट में स्टैंडिंग रहते हैं सोल की स्क्वाड की तरफ से। दिस इज नॉट लुकिंग गुड फॉर देम। और इसी के साथ 1v2 की सिचुएशन मेरे हिसाब से उनके लिए रहने वाली है। यहाँ पे अक्की बाकी रहते हैं अभी भी। इमॉर्टल आई बिलीव तो नॉक है। यहाँ पे अक्की लास्ट में स्टैंडिंग अपनी स्क्वाड की तरफ से। 1v1 की फाइट रहेगी। क्या यहाँ पे सीजे अपनी स्क्वाड की तरफ से क्लच कर पाएंगे? एंड यस वो क्लच कर जाते हैं। टीम सोल 17k के साथ यहाँ पे सर्वाइव करेंगे। ऑब्वियसली उन्होंने नंबर्स एडवांटेज खो दिया। अब वहां पे उनके प्लेयर्स जो है काफी ज्यादा एलिमिनेट हो गए बट M1 की स्क्वाड को वाइप किया 17 किल के साथ। हैशटैग
सिक्स भी उन्होंने सिचुएशन को सेव कर लिया है। पिपी ने नॉक किया था, अकेले नॉक फिनिश किया था, बट अब जो है नो अकॉर्डले यहाँ पे चार्जिंग करने की कोशिश करेंगे। दिस कुड बी एन इजी चिकन डिनर बाय देम। वैम्पायर वहाँ पे प्रोन होते हैं, प्रोटेम को यहाँ पे स्पॉट किया, उनको नॉक किया जाएगा। वेनम लास्ट में स्टैंडिंग रहते अपने टीममेट का बदला जरूर लेना चाहेंगे। यहाँ पे नंबर एडवांटेज सब कुछ जो है नोवा गॉडलाइक के फेवर में यहाँ पे जाता हुआ देख रहा है। सर्कल भी क्लोज इन आ जाएगा, वेनम की तरफ चार्जिंग करेंगे। 1v4 सिचुएशन उनके लिए, वेनम यहाँ पे मारने की कोशिश। वैम्पायर जो है यहाँ पे ऊपर की तरफ चाहते हैं, बट पीछे तुरंत ही ट्रेड ले लेंगे रईज उनका। नोवा गॉडलाइक किलो जो है आपको देखने को मिले, पाओ किलो, नाइस नेम। ओके इसी के साथ टीटीएन की स्क्वाड पीछे थर्ड पार्टी करेंगे मैक्सी स्क्वाड को, ड्रैगन यहाँ पे बाकी रहेंगे। हस्तर की भी काफी अच्छी पोजीशन है, ड्रैगन को वहाँ पे स्पॉट कर सकते हैं। पाओ किलो का किल चोरी कर पाते हैं या नहीं हस्तर, वो भी देखना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। और किल जो है हस्तर चोरी कर जाएंगे, बट तुरंत ही ट्रेड किल ले लेंगे ड्रैगन। यहाँ पे ड्रैगन की पोजीशन रिवील आउट नहीं हुई थी, बट उन्होंने अब जो है शॉट ले लिए। नोवा गॉडलाइक के प्लेयर तीनों साथ में चार्जिंग करने की कोशिश कर सकते हैं। वैम्पायर को यहाँ पे स्पॉट किया जाएगा, एक रैंडम शॉट देने की कोशिश बाय ड्रैगन। एंड आप देख सकते हैं किस तरीके से ड्रैगन यहाँ पे सर्वाइव करे, बट टीटीएन की स्क्वाड ये सिचुएशन का फायदा उठा के थर्ड पार्टी कर सकते हैं। नोवा गॉडलाइक की स्क्वाड को वैम्पायर वहाँ पे रिवाइव करने के लिए जा रहे, ड्रैगन के यहाँ पे स्पॉट कर पाएंगे। उन्होंने अपने सामने स्मोक किया है, बेसिकली शनॉक में स्मोक सी बहुत कमी रहती है और इतने ज्यादा स्मोक जो है आपको नहीं मिलते, अगर आपने नोटिस किया रहेगा ये चीज। तो हस्तर को भी वहां पे मिल जाएगा रिवाइव और फोर मैन स्क्वाड के साथ उनकी स्क्वाड जो आगे की तरफ गेम कंटिन्यू करेंगे। ड्रैगन इसी के साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे सर्कल क्लोज इन हो चुका है, सर्कल भी उनके फेवर में। टीटीएन की स्क्वाड के दो प्लेयर बाकी रहेंगे एंड इजी चिकन डिनर बाय नोवा गॉडलाइक आई एम सपोजिंग, क्योंकि हर एक प्लेयर उनके अलाइव है। सर्कल एडवांटेज भी उनके पास है, ड्रैगन को स्पॉट करने की कोशिश, उनके पास शॉर्ट्स भी ले जाएंगे। रईज जो है ऊपर के पोजिशन पे, 16 किल उनके हो चुके हैं। रईज यहाँ पे नॉक हो जाएंगे, उनके ऊपर एक मॉली भी थ्रो की गई थी और उनको वहां पे फोर्स आउट किया था, बट उनको रिवाइव कर पाएंगे कि नहीं वो भी देखना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। वैम्पायर यहाँ पे जरूर रिवाइव करने के लिए आ रहे थे, इनके मैडॉक यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। वैम्पायर को मेरे हिसाब से यहाँ पे ओवर कमिट नहीं करना चाहिए और अपने टीममेट को रिवाइव करना चाहिए, बट एक ग्रेनेड और नोवा गॉडलाइक की स्क्वाड यहाँ पे काफी ज्यादा दिक्कत में आ सकती है। टीटीएन की स्क्वाड यहाँ पे चार्जिंग कर रही है, सर्कल मूव होना शुरू हो चुका है, यहाँ पे काफी दिक्कतें आने वाली है। M7 के साथ मारने की कोशिश की जाएगी, बट देखते हैं टीटीएन की स्क्वाड किस प्रकार स्थिति को हैंडल करती है। यहाँ पे हील अप हो चुके हैं, रिवाइव आ चुका है उनको और इसी के साथ नोवा गॉडलाइक टेक्स दैट चिकन डिनर। बट टोटल आई थिंक उनके पास 19 किल है। 19 किल।